सर हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे हैं। हम एक क्रिकेटर हैं लेकिन टीसी का काम कर रहे हैं खड़गपुर स्टेशन पे, और रोज गेट नंबर 3 के सामने खड़े होकर फाइन इकट्ठा करते हैं। ना तो हमारा गेम इम्प्रूव हो रहा है सर, ना तो हमको आगे का कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। कब तक और कैसे चलेगा सर? ये किसी और की नहीं, अपने नंबर 7 की है कहानी। और इस कहानी में ट्रेन की आवाज बहुत जरूरी है सुनानी। क्रिकेट का शौक था लड़का, वो बेखौफ था। परिवार की जिम्मेदारी थी, शायद ऊपर वाले ने भी इसकी नजर उतारी थी। कोट काला, लंबे बाल और प्लेटफॉर्म नंबर 8। किसने सोचा था कि ये लड़का एक दिन लगाएगा पूरी दुनिया की वाट। अपना माई टीसी बन जाएगा माता के आशीर्वाद से। अगर तूने अच्छे से नौकरी की तो रेलवे में एक दिन आरएम भी बन सकता है। अगर माइया का इतने से मन नहीं भरा तो? मतलब हमारा मन कहता है ये थोड़े से में खुश होने वाला नहीं है। हुनर था और ना ही किसी का डर था। रफ्तार थी, दहाड़ थी, कुछ भी नहीं था आसान। मुश्किलें सामने हजार थी। खेलकूद अपनी जगह है लेकिन पढ़ोगे लिखोगे तो किसी लायक बनोगे। तुम्हारा पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? परसों से ही ऑफिस लीग का लास्ट राउंड शुरू होने वाला है। अरे एग्जाम तो दोगे ना तुम? पास जितना लायक हो जाएगा। धोनी कोई तेंदुलकर है? नहीं पाजी, धोनी धोनी है। एक बार उस लड़के को मौका मिल गया ना तो बहुत आगे तक जाएगा। जिंदगी में मुश्किलों को हरा कर ही मुसाफिर बनता है एक अच्छा राही। दुनिया के लंबे प्लेटफॉर्म से निकलकर 22 गज की दुनिया में आ चुका था अपना माही। सर आप बोलेंगे तो आज ओपन करें, अगला मैच में देखेंगे। सर वीक टीम के साथ स्कोर करके क्या मिलेगा? हम इस लड़के को जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी। स्ट्राइक हम लेंगे, तुम रन आउट मत करवा देना बस।